ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज और सिट बैंक बंद हो गया। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट एंड ट्रेंडिंग खबर निकल कर आ रही है। आप देख पा रहे होंगे गूगल के अंदर भी 4 घंटे पहले जी न्यूज की तरफ से अपडेट लगाया गया है कि आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द। क्या आपका भी है इसमें अकाउंट? बड़ी खबर निकल कर आ रही है 8 जुलाई 2018 की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत के एक बड़े बैंक को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। अगर आपका भी उसमें अकाउंट और उसमें पैसे जमा है तो आपको ये खबर और अलर्ट अपडेट जरूर पूरा जान लेना चाहिए। इसके अलावा यहाँ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अमर उजाला की तरफ से 17 मार्च 2018 को एक बड़ी खबर लगाई गई कि बैंक में जमा 100 रुपए में से केवल 30 रुपए हैं सुरक्षित। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में किया खुलासा। पीएनबी सहित अन्य बैंकों में हुए महाघोटाले के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश में सितंबर 2017 तक बैंकों में कुल 103 लाख करोड़ रुपए जमा है, जिसमें से केवल 30.50 लाख करोड़ रुपए ही इंश्योर्ड है, यानी कि 100 रुपए में से केवल 30 रुपया ही सुरक्षित है। अगर आपके 10,000 रुपए जमा है तो ऐसे में 3,000 रुपए की ही बैंक की जिम्मेदारी है। अगर बैंक बंद हो जाता है तो आपके 7,000 रुपए डूब जाएंगे और आपको मात्र 3,000 रुपए ही दिए जाएंगे। क्या हाँ आरबीआई का नियम? तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आरबीआई की तरफ से जमाकर्ताओं को उनके जमा धन पर मिलने वाले इंश्योर्ड कवर पर कुछ नियम बनाए गए हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि DICGC के नाम से बने इन नियम के अनुसार बैंकों में आपके द्वारा जमा किए गए रकम में से केवल 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है। यह कवर सभी तरह के खातों पर लागू है और कुछ इसी तरह का नियम दोस्तों बैंकों के अंदर FIDI बिल को लेकर भी होता है, अपडेट होता है। तो ऐसे में आज जो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और ये बैंक जो है बंद हो गया। और इसको बंद करने के पीछे वजह जो है दोस्तों वो ये है कि बैंक का लाइसेंस निरस्त करने का प्रमुख कारण ये है कि दावा किए जाने पर बैंक अपने जमाकर्ताओं का धन वापस लौटाने में समर्थ नहीं है। आरबीआई की तरफ से एक बयान में कहा गया कि बैंक की मौजूदा हालत के हिसाब से इसके वापस खड़े होने के आसार नहीं है, इसलिए बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया और ये बैंक का लाइसेंस निरस्त करने का फैसला 5 जुलाई से ही प्रभावी माना जा रहा है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि 11 बैंकों को PCA लिस्ट में रखा है। इससे पहले आरबीआई ने खराब वित्तीय स्थिति का सामना कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों को प्रॉम्प्ट एक्शन लिस्ट यानी कि PCA में रखा है। ये बैंक तेजी से अपना ATM बंद करे और इन बैंकों के लिस्ट में इंडियन ओवरसीज से लेकर कैनरा बैंक जैसे दिग्गज यानी कि बड़े बैंक भी शामिल है। ऐसे में दोस्तों यहाँ जो जिस बैंक की बात की जा रही है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राजस्थान के अलवर स्थित अलवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। ऐसे में दोस्तों जिन जिन भी ग्राहकों का इस बैंक में खाता है उनके पैसे का क्या होगा, इसके ऊपर अभी तक कोई खबर या सरकार की तरफ से अपडेट नहीं आ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। जब भी नेक्स्ट अपडेट कुछ भी आएगा मैं जरूर DLS न्यूज के ऊपर आपके साथ शेयर करूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस और वादा है। और हाँ दोस्तों, आप जीत सकते हैं DLS न्यूज की तरफ से कंबाइजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि बैंक खाता खुलवाने के लिए किन्हीं 2 उपयोगी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखिए। जो लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे वो रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे DLS न्यूज की तरफ से और आप जीत सकते हैं मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट टूल गैजेट वगैरह कुछ भी अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट, जिसका गिव अवे हमारे DLS न्यूज चैनल के ऊपर बहुत जल्दी आ रहा है। और हाँ, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली नई स्कीम न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन से अपडेट रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू।